साथियों, देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम न्यू इंडिया की आवश्यकता है, न्यू इंडिया का सपना है। और इसलिए हम देश के फ्यूचर प्रूफिंग पर ध्यान दे रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सके। रेलवे हो, हाईवेज हो, वाटरवे हो या एयरवेज हो, हमने सभी क्षेत्रों में एक समान इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है और अप्रत्याशित गति से कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आज पहले से ज्यादा तेज गति से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। जीएसटी का फायदा देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मिला है और ट्रकों के द्वारा प्रतिदिन तय की जाने वाली दूरी 30% बढ़ी है। अगर पहले गुड्स लेकर के जाने वाला एक ट्रक एक दिन में अगर 200 किलोमीटर जाता था, तो जीएसटी आने के बाद, चेक पोस्ट की मुसीबतें दूर होने के बाद, आज वही ट्रक 200 किलोमीटर के बजाय 250 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा एक दिन में कर लेता है। यानी पूरी इकोनॉमी में, गति में ये 30% की बढ़ोतरी एकमात्र जीएसटी के निर्णय के कारण संभव हुई है और उसके कारण लोगों को सस्ता सामान पहुंचाने की संभावना बनने वाली है। सरकार जल मार्गों को परिवहन के पर्यावरण अनुकूल तरीके के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 106 अतिरिक्त नदियों को नेशनल वाटरवेज के रूप में विकसित करने का काम दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में एविएशन सेक्टर भी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। पिछले 3 वर्षों में डोमेस्टिक फ्लायर्स की संख्या में, हवाई जहाज में सफर करने वालों की संख्या में लगभग 3 करोड़ यात्रियों की वृद्धि हुई है। एविएशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए पहली बार नेशनल एविएशन पॉलिसी हमने बनाई है। मध्यम वर्ग के जीवन में उड़ान योजना के माध्यम से बदलाव लाया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के 70 छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है ताकि देश का आम नागरिक कभी सस्ती हवाई सेवाओं का भी वो फायदा उठा सके। वर्तमान रेल व्यवस्था को सुधारने और आधुनिक तकनीक के आधार पर नए रेल नेटवर्क के निर्माण दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। हमने रेलवे ट्रैक उसको डबलिंग करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इस काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया है और पहले से ज्यादा तेज गति से काम हो रहा है। जितना निवेश रेलवे में अभी ये सरकार कर रही है, उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ है। निवेश बढ़ाने के साथ ही अब दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने पर भी बल दिया जा रहा है।